हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 75 इंडिपेंडेंस डे अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो जिसकी शुभकामनाएं आप लोगों स्वतंत्रता की मिठास और रिश्तों की एहसास के साथ स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज हमें 75 ईयर हो गए आज़ाद हुए और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये आज़ादी हमें बहुत ही संघर्ष के साथ मिला है और जो शहीद हुए हैं इस स्वतंत्रता दिवस के लिए, तो मैं उनका कोटि कोटि नमन, जो हमें आज स्वतंत्र भारत में खुले आसमान में जीने की प्रेरणा देते हैं। और हम तो सेलिब्रेशन कर लेते हैं, लेकिन असली मायने में उन किसानों को जो हमें दो वक्त की राशन पानी देते हैं और उनके लिए जो हमारे बर्फ में जो हमारे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो सुरक्षा के साथ अपना जो कर्तव्य है वो निभा रहे हैं, तभी हम आज सुरक्षित हैं। आइए हम सब एक संकल्प लें कि जो हमारे नए युवा हैं और वो हमारे देश को और आगे ले जाएं और हमारा देश उन्नति करे, और जो हमारे सैनिक हैं उन्हें एक साहस मिले कि वो हमारी रक्षा कर सकें। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संबोधन किया और उन्होंने बहुत ही सरल भाषाओं में अपनी बातों को हमारे सामने रखा। और महामारी से निपटने के लिए हमारे कदमों ने बहुत बड़ा सराहना काम किया, और टीका से जो हम अपना मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हम आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन जो हमारा भारत है वो विकास की ओर अग्रसर है। तो उनका यह दो शब्द मुझे बहुत काफ़ी प्रभावित किया, और ये सच में है कि हमारा जो भारत है आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो चलिए हम सब मिल करके अपने भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले चलते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को और अपने घर को एक स्वच्छ वातावरण देंगे और भारत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।